हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, जो पीएचडी के नोटिफिकेशन आए हैं, राइट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अंदर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसमें पीएचडी के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साथ में जो प्रेस आइकन है उसको भी ऑन कर देना, ताकि जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है पीएचडी के लिए। तो जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, राइट, ये श्रीनगर में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर, राइट। बहुत ही अच्छी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। अगर आपको यहाँ से एक अपॉर्चुनिटीज मिलती है पीएचडी करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट, आपके करियर के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छा एक आपके पास चांसेस में अप्लाई करने के लिए। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-2023, राइट। तो देखते हैं बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है, राइट। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो जो इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, राइट। डिटेल ऑफ स्कूल्स एंड सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, इन सब्जेक्ट में जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सीट्स आई हुई हैं, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, एलाइड साइंसेस, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ आर्ट साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन। एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें यहाँ पे पीएचडी के लिए ओपनिंग आई हुई है, राइट। स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है, अगर आप मैनेजमेंट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और बेसिकली जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए इस प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम में, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री, इस कंसर्न सब्जेक्ट इन कॉग्निट इन द एलाइड इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एक आप मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपका जो 55% के साथ होना चाहिए, राइट। और इसमें क्या है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पर आपकी मिनिमम एटलीस्ट 55% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए मास्टर में, और 5% जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, राइट। तो किसके लिए दिया गया, जो SC ST OBC हैं, स्पेशली OBC नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, राइट। और यहाँ पे एक लाइन है, फॉर दोज हु हैज ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, राइट। और यहाँ पे एक ऑप्शन, एडमिशन प्रोसेस क्या है, राइट। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द लिंक, जो नीचे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी सेल एडमिट पीएचडी स्टूडेंट्स थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेगी और उसके बाद एक इंटरव्यू या बाय बाय होगा, राइट, ज्वाइंटली। हाउएवर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट्स शैल बी एग्जेम्प्टेड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, बट दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द प्रिस्क्राइब टिल डेट ड्यू टू डेट अलॉन्ग विद फी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पर एग्जेम्प्टेड दिया गया, रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उनके लिए टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है। जो टीचर फेलो अंडर UGC लाइन्स, UGC स्कीम या जो नेट GRF है, उनके लिए भी एंट्रेंस मैंडेटरी नहीं है, राइट। एमफिल कैंडिडेट्स ऑफ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी इन द सेकेंड कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आपने यहाँ से एमफिल किया है इस यूनिवर्सिटी से, तब भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आप टेस्ट आपके लिए। क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम विल बी टोटल ऑफ 100 मार्क्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। द पेपर विल इंक्लूड टू सेक्शन, इस पेपर के अंदर दो सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा आपका वो RM यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, उसके आपके 50 मार्क्स होंगे। और जो सेकेंड आपका होगा, राइट, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, राइट, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा, वही आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, तो उसके आपके जो होंगे 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल आपके यहाँ पर जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा, राइट, एक RM का 50 और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका मास्टर में है उसके आपका 50 मार्क्स रहेंगे। और द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं राइट, और इनका जो सिलेबस है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी और जो आरएम का सिलेबस है वो भी आप इनकी वेबसाइट पर जाके यहाँ से डाउनलोड गाइज कर सकते हैं। और द स्टूडेंट सेल बी अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स टू कम्प्लीट द, इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का है, यानी आपको 120 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप इसमें देखते हैं कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है राइट, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है एग्जाम के लिए 50% जनरल के लिए है और EBS कैटेगरी के लिए है, और 45% जो है वो आपका SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एलॉन्ग द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम, यानी अगर आप इसको एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके साथ बुलाया गया, जिन लोगों ने एग्जाम के लिए एग्जेम्प्टेड था, जो नेट JRF के हैं या जो रेगुलर उसी यूनिवर्सिटी, उनके साथ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक इंटरव्यू जो या बाय विल बी ऑर्गेनाइज बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग विच द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस इन रिसर्च एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ स्टडीज। जो आपका इंटरव्यू होगा या बाय वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का वो ही आपका इंटरव्यू लेंगे राइट। जो इंटरव्यू या बाय शैल बी कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट, द कैंडिडेट जो प्रोसेस द कंपिटेंस ऑफ द प्रपोज रिसर्च, आपके रिसर्च के रिगार्डिंग इंटरव्यू पूछा जाएगा, या जो आपके कॉलेज है उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, या जो प्रपोज एरिया रिसर्च है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड इंडेक्स ऑफ द 100 मार्क्स फॉर द एडमिशन राइट। तो यहाँ पर जो एक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है एकेडमिक करियर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 70 मार्क्स हैं राइट, एज पर द डिसीजन एंड अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आपके UG में 30% आपका वेटेज मिलेगा, 30% ऑफ द मार्क्स आप ऑप्टेन, PG के 40% मार्क्स मिलेंगे आपको, और बाय के आपको 30% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 30% ग्रेजुएशन मार्क काउंट होंगे, और 40 जो है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन काउंट होंगे, और 30% आपका बाय होगा। और जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करा उनके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, तो जो एग्जाम में उनको 70% मार्क उनके एग्जाम के काउंट होंगे राइट, और जो उनके इंटरव्यू के 30% मार्क्स होंगे राइट। ये के लिए अगर आपने इंटरव्यू क्रैक किया है तो आपके 70% मार्क काउंट होंगे, बाकी आपके 30% का आपका इंटरव्यू या बाय होगा। द रिजल्ट ऑफ PhD एंट्रेंस विल बी वैलिड फॉर द एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन। जो PhD जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वैलिड रहेगा ओनली दिस सेशन के लिए, 2022-2023 के लिए ओनली वैलिड रहेगा। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द सर्टिफाइड एट द टाइम इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो आपकी एक हार्ड कॉपी लेके आएंगे, जो आप देर एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म की और अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी लेके आना है। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EBS के लिए उसके 700 रुपीज़ है, SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड उनके लिए 350 रुपीज़ है। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है जो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना चाहिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3rd March है इसकी, स्टार्ट हुए इसके फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 25th March है, अप टू 11:50 PM लास्ट जो डेट है वो 25th March 2023 अप टू 11:50 PM तक रहेगा। करेक्शन इन ऑनलाइन आपका 27-29 रहेगा राइट। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हो, 1 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑनबोर्ड हो जाएगा। और जो आपका डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होगी राइट ऑन साइट, वो आपका 8 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा ऑन सैटरडे। चेंजेस इफ एनी इन द AWEB शेड्यूल शैल बी पब्लिश ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, तो उनकी वेबसाइट पर आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फर्दर कि सेंटर कहाँ रहेगा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सेंटर कहाँ रहेगा। जो इसका सेंटर रहेगा आपका श्रीनगर गढ़वाल में होगा, जिसका कोड नंबर 1 है, और आपका
टेरी में होगा जिसका कोड नंबर 2 है, और देहरादून जिसका कोड नंबर 3 है, और आपका दिल्ली में भी इसका एक सेंटर बनाया गया है जिसका कोड नंबर 4 है, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं द सेंटर अलॉटेड विल बी इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर वो आपको अलॉटमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट नोट डेट द एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड टू अ कैंडिडेट शैल नॉट बी चेंज, अगर आपको एक बार जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया गया है तो वो आप फिर दोबारा वो आपका चेंज नहीं होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट के जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लीजिए आप, राइट, यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका जो ब्रोशर है वो एक बार आप चेक कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022-23 रोस्टर फॉर द यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए कितनी सीट्स को एलोकेट किया गया है वो यहाँ पर मैंशन किया गया है। तो फॉरेस्ट्री में दिया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी, अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स में भी है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, लॉ एंड बॉटनी है, राइट, इन्वायरमेंटल साइंस है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, और बिजनेस मैनेजमेंट की भी सीट्स हैं, राइट। तो टोटल सीट्स बिजनेस मैनेजमेंट की 8 सीट्स हैं, वो बिजनेस मैनेजमेंट की है, टूरिज्म केमिस्ट्री एंड होम साइंस की भी है। तो एक बार आप देख सकते हैं जो टोटल सीट्स यहाँ पे हैं यूनिवर्सिटी के लिए 181 सीट्स टोटल है, राइट, यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। इसके अलावा जो इनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पे भी सीट्स एलोकेशन है उनका, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए टोटल सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, इनको जो एफिलिएटेड कॉलेज है 68 सीट्स उनके लिए भी है, तो टोटल 180 हो जाती, 68 ये हो गई, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर सीट्स आती हैं, एलोकेशन ऑफ एडिशनल सीट्स फॉर द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर जेआरएफ या टीचर फेलो, राइट, जेआरएफ के लिए अलग से सीट्स हैं, अगर आपने जेआरएफ किया है तो उसके लिए आपको अलग से सीट्स दी गई है, वो आप देख सकते हैं, राइट, उसके लिए आप 110 सीट्स दी गई, टोटल बहुत अच्छा एक सीट्स दी गई, काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो इनके असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं श्री अरविंद कुमार, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनके ईमेल आईडी दिया है, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और एडमिशन के रिगार्डिंग भी आप मेल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये पूरा इसका प्रोसीजर है, एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लें, ताकि कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर लें, राइट, बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको मैं बताता हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये आपको फॉर्म फिल करना है, इस साइट को आप ओपन करिए, जो इनकी साइट है ये वाली, ये आप सबसे पहले इस साइट को डालिए, गूगल में सर्च करिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको ये ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऑनलाइन पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द सेशन 2022-23 क्लिक है, इस पर क्लिक करो, फिर आपके सामने खुल के ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो सबसे पहले आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करिए आप, राइट, उसमें दिया गया है इसमें जो आप कर सकते हैं। अगर आपने करने के बाद आप उसको दोबारा लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड डाला है, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं, फिर जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको आप फिल कर सकते हैं। बहुत ईजी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, इसलिए आप एक बार ब्रोशर करेंगे तो आप फिल कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए आपके कैरियर के रिगार्डिंग, आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रेगुलरली बेसिस पे आती रहेंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए, चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।